हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट राइडर्स। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्यूप्रेशर के ऊपर। तो मैं हूँ एक एमडी इन ऑल्टरनेटिव मेडिसिंस। तो जो ऑल्टरनेटिव मेडिसिंस क्या होती हैं, सबसे पहले वो जान लीजिए। ऑल्टरनेटिव मेडिसिंस वो होती हैं जिसमें एलोपैथी को छोड़कर बाकी जो सारी पद्धतियां आती हैं उसको ऑल्टरनेटिव मेडिसिंस कहते हैं। तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिंस में आज जो है हम जो टॉपिक लेंगे वो है एक्यूप्रेशर का। तो एक्यूप्रेशर से आप अपनी जो जितनी भी नर्व से रिलेटेड आपका नर्वस सिस्टम है जो, उसको हम किस तरह से हील कर सकते हैं, वो वाले पॉइंट्स में आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। क्योंकि वो पॉइंट्स को अगर आप दबाते हो, उनको प्रेस एंड रिलीज करते हो, तो आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो एक हीलिंग प्रोसेस में चले जाएंगे। अगर वहां पर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है तो सबसे पहले जानना होगा कि जो सेंस ऑर्गन्स वो कौन से होते हैं। आपकी जो सूंघने की शक्ति वो कहाँ से आती है, नोज से, ठीक है ना। स्मेल करने की शक्ति, सूंघने की शक्ति वो नोज से आती है। तो नोज हमारा एक सेंस ऑर्गन है। हमारी आंखें, हमारी आंखें जो देखती हैं सब कुछ, वो भी एक सेंस ऑर्गन है। हमारी स्किन जो फील करती है कुछ भी चीज, गर्म है, ठंडा है, कहाँ हमें पैर रखना है, कहाँ नहीं रखना है, अगर कांटा है, पत्थर है, कुछ भी जो सेंस कर पाते हो जो चीजों का, तो वो है हमारी स्किन। तो स्किन से आप फीलिंग लेते हो कि कोई चीज गर्म है या कोई चीज ठंडी है। तो स्किन हमारा जो है एक सेंस ऑर्गन है। जो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन आता है वो आता है हमारे कान। तो कान जो है वो सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो कानों से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पर ये जो प्रेशर पॉइंट्स है वो किस तरह से काम कर सकते हैं, तो वो अब हम इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो नेक्स्ट सेंस ऑर्गन है वो हमारा होता है मुंह। तो मुंह में टेस्ट करने की शक्ति जो होती है वो आपकी अगर गायब हो रही है, आपका जो टेस्ट खराब हो रहा है, मुंह में से स्मेल आती है, मुंह में से जो है दांतों में से ब्लीडिंग गम्स है, इस तरह से मुंह से रिलेटेड भी जितनी प्रॉब्लम्स है वो हमारी इस एक पॉइंट को दबाने से ठीक होने वाली है। नर्वस सिस्टम, जो लोग बहुत ही नर्वस रहते हैं या जिनको सिनाइल डिमेंशिया हो गया है, मींस कि जिनको भूलने की आदत जो है वो शुरू हो गई है, चीजें भूल जाते हैं और जनरल जो है फॉरगेटफुलनेस हो रही है, कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में आप होती है वो चीजें आप भूलने लग गए हो, तो ऐसी सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और दूसरी चीज कि अगर आपका नर्वस सिस्टम ठीक हो जाता है, आपका हर एक जो ऑर्गन है वो एक हील हो जाता है, तो एक और पॉइंट है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं उनकी एक होल्डिंग पावर होती है, वो होल्डिंग पावर जब कम हो जाती है तो उस होल्डिंग पावर को अपनी जगह पर रखने के लिए जिस तरह स्किन सैगिंग हो जाती है, ब्रेस्ट सैग हो जाती है, पेट लटक जाता है, चेहरा जो है वो लटकना शुरू हो जाता है, गर्दन के नीचे से जो मांस है वो लटकना शुरू हो जाता है, तो ऐसी सारी चीजें जो है अगर हम एक्यूप्रेशर से ही ठीक कर ले तो उसके जैसे रिजल्ट आपको किसी भी चीज से नहीं मिलेंगे, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसका कोई खर्चा नहीं है। सिर्फ उन पॉइंट्स को दबाने मात्र से ही, पॉइंट्स को दबाने मात्र से ही आप ठीक हो सकते हैं। तो चलिए, मैंने उस पॉइंट्स के बारे में बहुत ज्यादा डिस्क्राइब कर दिया है, तो अब जानते हैं कि वो पॉइंट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है MIP6। तो MIP6 जो पॉइंट है वो हम किस तरह से लोकेट करेंगे, उसके लिए सबसे पहले आपने इस तरह से मुट्ठी बंद कर लेनी है। मुट्ठी बंद करने के बाद ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर से आपने यहां से सेंटर से, ये देखिए ये सेंटर है, ये कैमरे के पास में ले आती हूं, ये सेंटर से आपने यहां से आपने देखना है। तो जहां से ये नकल है जो हमारा, ये यहां पर खत्म हो रहा है, ये देखिए ये यहां पर खत्म हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये देखिए ये पॉइंट नजर आ रहा है, ये नकल है हमारा, यहां से आपने सेंटर से आना है यहां पर, यहां से आपने ले लेना है यहां पर, इसको बोलते हैं MIP6 पॉइंट।
तो इस पॉइंट को दबाने से आपका जो नर्वस सिस्टम है वो हील होगा। इसको आपने प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, आपने जिस तरह पेन है, पेन का पीछे वाला हिस्सा है, इस तरह से इसको ले लीजिए और यहां से प्रेस एंड रिलीज, इसको आराम से ऐसे हाथ को खोल दीजिए, हल्का सा इसको ऐसे प्रेस कीजिए। इसको जोर से प्रेस नहीं करना है कि हम किसी चीज को अंदर से हमने डैमेज नहीं करना है इसको प्रेस करते। तो इस तरह से आप 2 मिनट के लिए इसको दिन में 2 या 3 बार कर सकते हैं। जिनकी स्किन बहुत ही ज्यादा खराब है, जिनको मतलब कि टेंशन रहती है, एंग्जाइटी में रहते हो, डिप्रेशन में रहते हो, किसी भी दिमाग चलता ही रहता है 24 घंटे, और 24 घंटे जब दिमाग चलता है तो वो उसका जो एक रिफ्लेक्शन है आपके चेहरे के ऊपर नजर आता है, आपका चेहरा खराब होने लग जाता है। तो अपने चेहरे के ऊपर ग्लो लाने के लिए, अपने नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए, अपने सर्कुलेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, हर चिंता से मुक्त होने के लिए, अपने दिमाग को जो है एक फ्रेश करने के लिए, उन सारी चीजों के लिए अगर आप ये पॉइंट को दबाते हो तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट मिलने इंस्टेंट। आप अभी बैठे हो, आप अभी वीडियो देख रहे हो, अभी अगर आप इसको दबाना शुरू कर दोगे तो आप देखोगे कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। आप देखोगे कि आपका जो दिमाग है वो शांत हो रहा है, आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही गुड फीलिंग हो रही है। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है GV20, ठीक है, गवर्निंग वेसल 20 पॉइंट। वो पॉइंट कहाँ होता है, वो भी सेम वर्क करता है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने दबाना है। वो भी पॉइंट जो है आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, जितने भी जो मैंने आपको पहले बताई, वहां पर आपके आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आपका दिमाग बहुत कमजोर है, आपके बच्चों का दिमाग बहुत कमजोर है, कॉन्सेंट्रेशन पावर नहीं लग पा रही है, आपके चेहरे का ग्लो खत्म होता जा रहा है, और भूलने की शक्ति हो रही है, भूलते बहुत हो, जिस तरह कई डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको ये नहीं पता लगता है कि कई बार वो गर्म चीज को भी उठा लेते हैं तो गर्म चीज को उठाने के बाद भी उनको ऐसे नहीं लगता कि मैंने गर्म चीज को उठा लिया, आराम से उठा लेंगे। नंबनेंस बहुत बढ़ जाती है, जो पैर है, पैर के ऊपर अगर कोई जानवर भी काट जाता, अगर रात को सोए हुए अगर चूहा भी वहां पे काट के चले गया ना, तो उनको तब भी पता नहीं लग जाता, मधुमक्खी वहां पे डंक मार दे तब भी उनको पता नहीं लग जाता है, तो इतनी नंबनेंस बढ़ जाती है। सुन्नपना जो है वो आप, अगर आपके बॉडी पार्ट में कहीं भी सुन्नपन है, सुन्न होता है आपका शरीर, एक टिंगलिंग सेंसेशन आपके शरीर में चलती है, कानों में अगर जिस तरह कहीं को पानी बहता है, सीटियां बजती हैं, इस तरह की आवाज आती है, मुंह में से जो है गंदी स्मेल आती है, टेस्ट नहीं आता है, नमक का चीनी का टेस्ट नहीं आ रहा है, नाक में से जो है वो सूंघने की शक्ति कम हो गई है, आंखों की आईसाइट वीक हो गई है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी इन पॉइंट्स को दबाने से ठीक हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट में जो GV20 की बात कर रही हूं, वो पॉइंट जो है उसकी जो फोटो है आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, और उसको लोकेट किस तरह से करना है मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये जो आपके दोनों कान हैं, इन दोनों कानों को जब आप इस तरह से सीधा लेके जाओगे तो जहां पर ये मीट होती है आपकी, ये फिंगर्स जहां पर मीट होगी, जहां पर मिलेंगी, जहां पर कई बार होता है कि हम बच्चों की छोटी सी चुटिया यहां पर रख देते हैं, ठीक है ना, पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर एक चुटिया रखते थे, छोटी सी एक चुटिया रखते थे, वो चुटिया ऐसे ही नहीं किसी की रखते थे, उसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, क्यों, क्योंकि वो चुटिया जो है एक आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में जो कॉस्मिक एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करती है, वो एनर्जी आपके सारे चक्रास को बैलेंस करती है, तो इसलिए वहां पे लोग चुटिया रखते थे। तो अब आज का वो जमाना नहीं है, तो आजकल तो पंडित भी हैं जो वो चुटिया नहीं रखते हैं, तो इसलिए तो इस पॉइंट को मसाज करना बहुत ही जरूरी होता है। इस पॉइंट को मसाज आप कर सकते हो, आप छोटे बच्चे से लेकर आप बूढ़े, कितनी भी आपकी उम्र है, आप एक्यूप्रेशर को यूज कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो इसके जो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर जो सेंटर में आप हाथ लगाइए, आप इस तरह से कीजिए, जो सेंटर है आपका थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, दबा हुआ होता है, तो यहां पर आपने इसको प्रेस करना है, इस तरह से आप इसको प्रेस कीजिए, या आप इसको धीरे से कोई भी ऑयल लेके आप यहाँ की मसाज कर सकते हैं, धीरे धीरे मसाज करनी है, कोई भी हार्श प्रेशर इसके ऊपर नहीं डालना है,
बड़ी ही सॉफ्टली मसाज करनी है, बच्चों की भी अपनी भी मसाज करनी है। उसके बाद आप एक चार बिंदु देख रहे हो साइड पे, तो इस तरह से एक ग्रिप बना लेनी है अपने हाथों की ग्रिप, और इस तरह से ऐसे ऐसे करके, मैं सिर पे नहीं मैं हाथ पे आपको दिखाती हूँ, इस तरह से वो चारों बिंदुओं को भी, जिनको एसेस बोलते हैं, उन बिंदुओं को भी आपने इस तरह से प्रेस करना है। तो जब आप इन चीजों को प्रेस करेंगे, अगर आप इसको मसाज देते हैं, अगर आप इसको रोज मिनट भी आप इसकी मसाज करते हैं ऑयल के साथ, तो देखेंगे कि आपके दिमाग से रिलेटेड जो इतनी महंगी महंगी दवाइयां खानी पड़ रही हैं आपको, डिप्रेशन के लिए, एंजाइटी के लिए, तनाव के लिए, और ना जाने कितनी चीजों के लिए, तो अगर आप इसको ही बैलेंस कर लेंगे, इसको ही अगर आप प्रेस कर लेंगे, तो आपके सारे चक्रास हैं वो बैलेंस में आ जाएंगे। तो जब वो सारे चक्रास आपके बैलेंस में आ जाएंगे, जो आपके आसपास की जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो इसको एब्जॉर्ब करती है। जब वो इसको एब्जॉर्ब करती है, तो यहां से ही, जिस तरह होता है ना, एक बॉटल में अगर आप पानी डालते हो तो आप उसके मुंह में पानी डालते हो, तो इसी तरह ये समझ लीजिए आपकी बॉडी का एक मुंह है, जहां से सारी एनर्जी जो है आपकी बॉडी में पास होती है। तो अगर आप इन चीजों को करते हो, देन आपको बहुत ही गुड रिजल्ट मिलेगा, आपके स्किन के ऊपर भी, आपके चेहरे के ऊपर भी ग्लो आएगा, क्योंकि आप अपनी सारी टेंशन से मुक्त हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।